my name is Yash. I am 12 year old. I study in Ranjit Public Senior Secondary School, Chidiya Charkhi Dadri. My village name is Chillar in Charkhi Dadri district. My hobbies are reading books, playing cricket. I like to study GK books. I very like to read GK books and acquire knowledge. Press the desk key. The merge cell command present in dash tab, layout tab. A plus sign at A dash is made up of rows and columns. Row cell table. जितनी भी मेरी डिमांड्स हैं मेरे मम्मी पापा वो हर एक पूरी करते हैं. मैं उन्हें धन्यवाद कहना चाहूँगा कि वो मेरा इतना ख्याल रखते हैं. मेरी पूरी फैमिली मुझे पूरा सपोर्ट करती है. मेरे टीचर मुझे सपोर्ट करते हैं. इसी सपोर्ट के कारण मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ. मैं यश की मम्मी हूँ. मेरा नाम संजू है. मेरा बेटा बहुत ही होशियार है. मेरा सर को बात में कहना मानता है. जो भी है जनरल नॉलेज बुक्स सर्च सारा दिन स्टडी खेलना बच्चों के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से रहता है. घर में सबका कहना मानता है. यश सभी बच्चों के साथ बड़े ही प्यार से खेलता है और बड़ों का आदर करता है. घर में सभी बड़े छोटों सबका कहना मानता है. यश पढ़ाई में बहुत ही इंटेलिजेंट है. वह हर बार क्लास में फर्स्ट पोजिशन लेके आता है. यश के पापा जी पुलिस में हैं और वो यश का हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं. अगर वे ड्यूटी पर होते हैं तो हम यश को हर जगह ले जाते हैं और इसके टेस्ट जीके सब कुछ टाइम पे करवाते हैं. अब उनके पास टाइम नहीं है तो मैं अपने बेटे को हर जगह पार्टिसिपेट करवाती हूँ. इंटेलिजेंट है, पढ़ाई बहुत करता है. अपने आप इस शो में भाग लेके यहाँ इस मुकाम तक पहुँचगा. हमें तो इसके सपोर्ट के अपने आप ये लाया है. बैटल ऑफ ब्रेन की टीम स्कूल से आई थी. इसने अपना वही फॉर्म भरा था. वहीं से इसने आके हमें बताया. हम इसको पेपर एग्जाम दिवा के लाए. इसकी पढ़ाई में बहुत रुचि है. ये कुछ बड़ा अफसर बनने के सोचता और उसके लिए बहुत ही मेहनत करता है. इसमें है कितना दम. टीम का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं. हमारा बच्चा इस मुकाम तक पहुंचा हमें इस बात की बहुत ही खुशी होती है और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये फाइनल राउंड में भी जीत के आए. मैं जहाँ से भी नॉलेज प्राप्त करता हूँ चाहे वो टीवी से हो, न्यूज़पेपर से हो, बुक से हो, मोबाइल से हो, मैं वहीं से प्राप्त करता हूँ और उन्हें कभी नहीं भूलता हूँ. जब मैं स्कूल से आता हूँ तब मैं अपनी पढ़ाई पूरी करता हूँ और जब भी मैं घर पे फ्री होता हूँ तो मैं अपने भाइयों बहनों के साथ खेलता रहता हूँ. स्कूल में कल टेस्ट दिए. स्कूल संदीप कुमार. मैं यश का चाचा हूँ. यश काफ़ी होनहार लड़का है. इसने काफ़ी एग्जाम में पार्टिसिपेट किया है और पोजिशन लेके आया है. काफ़ी अच्छा लर्नर और लिसनर है. जो भी इसको सिखाया जाता है या बोला जाता है उसको अच्छे से सीखता है. और इसका सबसे अच्छा है ये भूलता नहीं है कुछ भी इसको बताते हैं. यह स्कूल में काफ़ी एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करता है. गेम में भी काफ़ी अच्छा है. ये क्रिकेट इनकी फेवरेट गेम है.
क्रिकेट के साथ साथ जनरल नॉलेज की बुक्स इसको काफ़ी पसंद है। ये टीवी से भी और मोबाइल से भी यूट्यूब से भी जीके के बारे में काफ़ी कुछ सीखता है। उसके साथ साथ ये परिवार में भी सबका लाडला है, परिवार के जितने भी सदस्य हैं इसको सब लाड प्यार करते हैं और ये काफ़ी सम्मान देता है परिवार के सभी लोगों को। बैटल ऑफ ब्रेन टीवी शो का धन्यवाद करते हैं जिसने हमारे बच्चे के लिए इतना अच्छा मंच दिया है, उसके हुनर को तलाशने का काम किया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चाहते हैं कि हमारा लड़का पूरी फैमिली का नाम रोशन करे, इस शो को जीत के आए। अच्छा करती हूँ, यह ना पैसे भी दे के खनाऊ सकूँ, लाडला बेटा है मेरा तो, और पढ़ा जोर का सब तो फेटा सकूँ मैं। ये मेरी प्यारी दादी हैं, इनका नाम लक्ष्मी देवी है, ये मुझे बहुत ही सपोर्ट करती हैं और मुझसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हैं। जो भी चीज़ मुझे चाहिए होती है मैं अपनी दादी जी से कहता हूँ और वो तुरंत लिया देती हैं। जो भी बातें होती हैं मैं अपनी दादी के साथ शेयर करता हूँ। बचपन से ही सपना है कि मैं एक आईएएस ऑफिसर बनूं और इसे मैं पूरा करके रहूंगा। मैं आईएएस ऑफिसर तभी बन सकता हूं तब मेरी फैमिली और टीचर्स मुझे पूरा सपोर्ट करें। आईएएस ऑफिसर बनने के लिए नॉलेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तभी मैं कहीं से भी नॉलेज मेरे को प्राप्त होती है तो मैं वहीं से ले लेता हूँ। स्कूल में बैटल ऑफ ब्रेन से कुछ टीम मेंबर्स आए थे, उन्होंने बताया कि ऐसे है तो तभी मैंने स्कूल में ही फॉर्म भर के पार्टिसिपेट किया। पहला राउंड मैंने ऑनलाइन दिया और स्टेप बाय स्टेप मैंने सारे राउंड्स क्लियर कर दिए और अब मैं ग्रैंड फाइनल में पहुंच चुका हूं और मुझे बहुत ही खुशी है। चैनल द्वारा संचालित बैटल ऑफ ब्रेन क्विज कॉन्टेस्ट में फाइनल राउंड में पहुंच चुका है। यह सेवन्थ क्लास का बच्चा है और यह पढ़ाई में बहुत इंटेलिजेंट है, साथ साथ खेल कूद में भी, डांसिंग में भी, अदर एक्टिविटी में भी बढ़ चढ़ कर भाग लेता है। यह पढ़ाई में तेज होने के साथ साथ इसको जहाँ से भी जनरल नॉलेज की
जानकारी लेनी होती है वहाँ से प्राप्त करता है, जैसे YouTube चैनल से, मोबाइल से, लैपटॉप से, लाइब्रेरी से, स्कूल से, टीचर से, सभी जगह से। यश के पेरेंट्स का, स्कूल स्टाफ का उसके साथ बहुत अच्छा कोलोब्रेशन होने के कारण आज वो इस मुकाम पर पहुँचा है। आज हम यह कामना करते हैं कि वह फाइनल राउंड में जीत कर आए और हमारे स्कूल का नाम रोशन करे। फाइनल राउंड में जीत के आना आपको, ये स्कूल की तरफ से आपको बधाई है। थैंक यू सर। मायसेल्फ कृष्णपाल सांगवा, प्रिंसिपल आरपीएस सीनियर स्कूल चिड़िया। ये शुरू से ही एक होनहार स्टूडेंट है हमारे स्कूल में और उन्होंने पढ़ाई के साथ साथ हमारी साइंस एग्जीबिशन में भी अच्छा प्रदर्शन किया था, उसमें भी इन्होंने अच्छी पोजीशन दी थी। और विद्यार्थी डीडी पंजाबी चैनल के माध्यम से ही उन्होंने आखिरी राउंड में प्रवेश किया है, इसके लिए मैं मेरी तरफ से भी विद्यालय की तरफ से शुभकामनाएं देता हूं और आगे भी ये प्रयासरत रहें और उम्मीद करते हैं कि वहां भी प्रथम स्थान ग्रहण करेंगे और आशा करते हैं कि जरूर एक दिन ये हमारे विद्यालय का और आपके गांव का, क्षेत्र का नाम रोशन करेंगे। अशोक राणा, लेक्चरर इन हिस्ट्री, आरपीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल चिड़िया। ये जो हमारा स्टूडेंट है सेवन्थ क्लास में यश, जो कि बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट है और जो जिसने बैटल ऑफ ब्रेन क्यूज में पार्टिसिपेट किया है, फाइनल राउंड में पहुंच चुका है और इसका हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि ये आगे भी इसी तरह से प्रोग्रेस करता रहे और अपनी फाइनल राउंड को भी जीत के आए। यश को अपने पेरेंट्स की और स्कूल की बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। ये अपनी स्टूडेंट्स खुद की और अपने पेरेंट्स की और टीचर्स की मेहनत किया बलबूते पर आज इस मुकाम पर पहुंचा है और हम भी और स्कूल स्टाफ भी और इनके पेरेंट्स भी यही कोशिश में लगे हुए हैं कि ये बच्चा एक दिन एक बहुत अच्छे मुकाम पर पहुंचे और अपने क्षेत्र का और अपने स्कूल का और अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करें। सारा सिस्टम के ऊपर है, सारा सिस्टम को बताना कि हमें इनसे बड़े बड़े मोटर्स ला सकते हैं, ठीक है। वो क्या होता है, जैसे हम लोग का जो फ्लाइंग हाईवे हाईवे ऊपर जो लाइटिंग वगैरह उनमें डील कर सकते हैं, मीन्स लाइट को बनाना, सोलर सिस्टम कैसे यूज करना उसके बारे में बताना। Solar system, it is used to make electricity. We can provide electricity on flyovers and houses. How do we use your solar system? We use sunlight to make solar energy. We can use this? Yes. But how to use this? So first we have to capture solar energy by using sunlight. Generator and how do we use it, electricity generator in this? We can say electricity of wind. By wind we can prove this yes or no. मैं संजय कुमार, लेक्चरर ऑफ मैथमेटिक्स इन आरपीएस स्कूल चिड़िया। आज पूरे विद्यालय के स्टाफ को जो कि यस सातवीं क्लास का छात्र है जिसका गांव छिल्लर है, उन्होंने बैटल ऑफ ब्रेन क्विज कॉन्टेस्ट में भाग लिया जिन्होंने फाइनल राउंड में जगह बनाई है। बैटल ऑफ ब्रेन जो टीवी शो है उनका भी हम आरपीएस स्कूल विद्यालय की पूरी टीम उनका तहे दिल से धन्यवाद करती है, जो हमारे विद्यालय के होनहार बच्चे को उन्होंने पार्टिसिपेट के लिए मौका दिया और हुनर पहचानने का, उन्होंने प्रतिभा पहचानने का उन्हें जो अवसर दिया उसके साथ साथ उनके पेरेंट और विद्यालय की काफी मेहनत से ही उस बच्चे को आज यहाँ सफलता मिली। ये बच्चा शुरू से ही इसका माइंड काफी शार्प है और क्लास में भी और बाहर भी हमेशा जीके के लिए हमेशा ये बुक से, यूट्यूब से, इसके साथ लाइब्रेरी में और अदर जहां से भी इसको जीके के लिए हमेशा
पढ़ने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। इस बच्चे के ब्राइट फ्यूचर के लिए हम आशा करते हैं पूरे विद्यालय आरपीएस परिवार कि ये बच्चा एक दिन हमारे विद्यालय का नाम रोशन करे। और डीडी चैनल का भी हम लास्ट में पुनः धन्यवाद करते हैं कि हम भी आशा करते हैं कि ये बच्चा जरूर वहाँ से जीत के आएगा और अपने विद्यालय का अपने क्षेत्र का जरूर नाम करेगा। साथ ही मैं डायरेक्टर सर का भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इस बच्चे के लिए जो कि एक अच्छे अच्छे मेहनती और प्रतिभाशाली जो टीचर यहाँ उन्होंने अपॉइंट किए हैं। तो मैं विद्यालय के डायरेक्टर को भी और जो टीम वर्क है उनको भी मैं मेरी तरफ से धन्यवाद करता हूँ। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, दैट इज फर्स्ट प्रॉपर्टी ए रेज टू पावर एक्स, हियर ए इक्वल टू बेस एंड एक्स इक्वल टू दैट इज पावर या और एक्सपोनेंट, दैट इज दैट एक्सपोनेंट दैट इज यू है ये टू रेज टू पावर एक्स बेस दैट इज द कॉन्स्टेंट और ही रेज टू पावर एक्स, एक्स इज द वेरिएबल। तो एक्स यहाँ इट इज यूजिंग वेरिएबल एक्सपोनेंट दैट इज सम प्रॉपर्टी वी आर यूजिंग टू फाइंड द एक्सपोनेंट पावर विल बी एक्स and a raised to power x divided. I am Manisha, lecturer of world science, Ranjit Public School, Chiriya se. हमारे स्कूल में बच्चा जो यस है ये बहुत ही टैलेंटेड बच्चा है, बहुत अच्छी जानकारी ये गेन करता है जहाँ से भी इसे मिलती है। ये हमारे साथ एक्स्ट्रा क्लासेज में भी रुकता है और वहाँ भी इसे जितनी जीके मिलती है ये उसे प्राप्त करता है। और मेंटली इस बच्चे को देखा जाए तो ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे टीचर्स के साथ जितने क्वालिफाइड टीचर अपने पास हैं उनसे ये पूरी पूरी मदद लेता है। जितनी भी स्कूल में एक्टिविटीज़ होती हैं, जितने भी मान लो जीके के हों चाहे बेसिक से कोई अदर एक्टिविटीज़ जितनी भी होती हैं उन सभी में ये पार्टिसिपेंट रहता है, कोशिश करता है प्राइज़ जीतने की। और बैटल ऑफ ब्रेन क्विज कॉन्टेस्ट जो इसने पार्टिसिपेट किया है वहाँ भी इसने अपनी अच्छी सहभागिता दी है। और हम उम्मीद करते हैं इस बच्चे के लिए कि ये अपना फर्स्ट प्राइज जीत के ही आए और अपना भी हमारा भी और अपने पेरेंट का भी अपने एरिया का भी नाम रोशन करें। ताकि मैं दुनिया के सामने खुद को रिप्रेजेंट कर सकूं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि मैं इस बैटल ऑफ ब्रेन टीवी शो के फाइनल राउंड में जीत कर आऊं और मैं अपने फैमिली मेम्बर्स स्कूल टीचर्स गांव का नाम रोशन कर सकूं। थैंक यू बैटल ऑफ ब्रेन टीवी शो।